Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the peritoma posthuma body structure. तो इस lecture में हम बात करेंगे जो earthworm है उसकी body के structures के बारे में. तो इससे पहले हमने देखा कि general character के बाद general characters की बात करी हमने और structure morphology की बात करी earthworm के बारे में. अब इस लेक्चर में बात करेंगे कि बॉडी वॉल कैसे होती है. तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो क्या होती है, डर्मो मस्कुलर होती है. क्या होती है, डर्मो मस्कुलर. बॉडी वॉल इज डर्मो मस्कुलर, कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल. क्यूटिकल पाई जाती है, एपिडर्मिस होती है, मस्कुलर लेयर एंड सीलोमिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है. क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल इज थिन इलास्टिक एंड नॉन सेलुलर नॉन काइटिनस मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड सिक्रीटेड बाय अंडरलाइंग सेल. जो अंडरलाइंग सेल्स होती है वहां से क्या होता है, सिक्रीशन होता है कोलेजन फाइबर का. अगला देखते हैं, एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ टॉल कॉलमनर सेल ऑफ फोर टाइप. चार तरह की होती है, जैसे सबसे पहले होती है सपोर्टिंग सेल होती है, मेजर पार्ट होता है. ग्लैंडुलर सेल होती है जो गॉबलेट और एल्बुमिन पाई जाती है, जैसे बेसल सेल हो गई और सेंसरी सेल पाई जाती है. अगले देखते हैं, बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर आर प्रेजेंट. बोथ सर्कुलर और जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाई जाती है. All segment except first, last and clavicular segment contain CD. तो जो CD होता है वहां पर मतलब हर एक सेगमेंट में पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता पहला और लास्ट वाला और जो क्लाइटेलर सेगमेंट होते हैं वहां पर CD नहीं पाया जाता है. CD जो होते हैं एक्सेप्ट के होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं एंड काइटिनस होते हैं और हर सेगमेंट में लगभग 80 से 120 CD पाए जाते हैं पर सेगमेंट. CD एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स हेल्प इन द लोकोमोशन. तो CD जिसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं अर्थवर्म के. बॉडी कैविटी के बारे में बात कर लेते हैं. तो बॉडी कैविटी इनकी कैसी होती है, बॉडी कैविटी इज टू सीलोम. यहाँ जो एनेलिडा में पाया जाता है टू सीलोम पाया जाता है, इसको दूसरे नाम से भी जाते हैं साइजो सीलोमिक या साइजो सील होता है. कंटेनिंग मिल्की व्हाइटिस एल्केलाइन सीलोम, एल्केलाइन सीलोम पाया जाता है इसमें. एक मिनट रुकेगा, एल्केलाइन सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है और सीलोमिक फ्लूइड कंटेन्स कॉर्पसल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप. जो सीलोमिक फ्लूइड होती है वहां पर ब्लड कॉर्पसल्स पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट होती हैं जो फाइग्रोसाइटोसिस करती हैं, मोस्ट न्यूमरस म्यूकोसाइट पाई जाती हैं, बहुत सारी म्यूकोसाइट भी पाई जाती हैं. सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं और क्लोरोजेन जो होती है, क्लोरेगोजेन जो होती है वो भी पाई जाती है. क्लोरेगोजेन सेल जो होती है वो स्मॉल होती है, स्टार शेप की होती है, येलोइश येलो कलर की होती है एंड कंसर्न्ड विद द स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फीड. तो क्लोरेगोजेन जो सेल होती है, क्लोरेगोजेन सेल होती है वो क्या करती है, रिजर्व फूड का स्टोरेज करवाती है और यह क्या करती है, डीएमिनेशन ऑफ द प्रोटीन्स. जो प्रोटीन्स पाई जाती है उनका डीएमिनेशन भी करवाती है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया, यूरिया का फॉर्मेशन करती है और इन्हें हम क्या कहते हैं, जो एक्सक्रीटरी ये क्या करते हैं, एक्स फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया, एक्स फॉर्मेशन करती है यूरिया का एंड आल्सो एक्सक्रीटरी एनालॉगस टू द लिवर ऑफ द वर्टिब्रेट. यूरिया का फॉर्मेशन करती है और क्या करती, वर्टिब्रेट का जो लीवर होता है उसकी तरह ये मतलब वर्क करती है. तो इसे हम क्या कहते हैं, एनालॉग ऑफ द वर्टिब्रेट लीवर. अब जैसे हमने ऊपर बात करी ग्रैनुलोसाइट की, तो ये ग्रैनुलोसाइट है, इन्हें हम म्यूकोसाइट कहते हैं. ये क्या है, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल हो गई और ये क्या है,
क्लोरोजेन सेल पाई जाती है यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं कि जो सीलोमिक फ्लूइड होता है वर्क्स एज हाइड्रोलिक स्केल्टन। जो सीलोमिक फ्लूइड होता है लोकोमोशन में वर्क करता है, हाइड्रोलिक स्केल्टन की तरह वर्क करता है। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू चैम्बर बाय सेप्टा। जो सीलोम होता है डिवाइडेड होता है कई सारे चैम्बर में सेप्टा के द्वारा। तो सेप्टा आर एब्सेंट इन फर्स्ट फोर सेगमेंट। जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो सेगमेंट होता है वहां पर क्या होते हैं, वहां पर सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट नाइन सेप्टा, जो फर्स्ट नाइन सेप्टा होते हैं अप टू सेप्टम, जो पहले नाइन सेप्टम होते हैं लगभग 13 से 14 सेगमेंट में पाए जाते हैं। 13वां 14वां सेगमेंट जो पाया जाता है यहाँ पे जो होते हैं परफोरेशन नहीं पाए जाते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द अर्थवर्म। ओके, थैंक यू।